हेलो भाई लोग, कैसे आप सब। मैं हूँ राघव जयसुरी। स्वागत है आप सभी का आर जी टेन यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं चेल्सी वर्सेस एसी मिलान के मैच को, जो कि हुआ था कल एसी मिलान के स्टेडियम में। तो भाई लोग, कल जो है, आप सब लोग ने अगर मैच नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके देखिए। कल जो है चेल्सी ने एसी मिलान की ऐसी तैसी कर दी है। तो भाई कल चेल्सी जो है वो एसी मिलान से 2-0 से जीती। और अगर मैच के बारे में बात की जाए तो वो बहुत ही बेकार मैच था एसी मिलान की टीम के लिए। तो बाकी अगर बात की जाए इस मैच के बारे में तो क्या ही बोलूँ मैं इस मैच के बारे में। मतलब स्टार्टिंग के 18 मिनट में ही एसी मिलान ने एक रेड कार्ड खा लिया था और एक पेनल्टी दिला दी थी। तो भाई बात कुछ ऐसी थी कि 17-18 मिनट का टाइम चल रहा था, 17 मिनट का टाइम चल रहा था, तो मेसन माउंट जो है वो डी के अंदर फिनिशिंग करने ही वाले थे। बहुत ही अच्छा ड्रिबल करके आए और एंड बहुत देर से उनको टमोरी, जो डिफेंडर है एसी मिलान की, वो काफ़ी देर से जो है उनको पकड़ रहे थे, उनको होल्ड कर लिया था, उनका आर्म पकड़ लिया था। और उसमें जैसे ही उन्होंने शूट मारी और वो नीचे गिर गए, तो एक ये क्लियरली एक पेनल्टी थी चेल्सी के लिए। और उसी समय जो रेफरी जो थे वहाँ पे, उन्होंने रेड कार्ड दे दिया वहाँ पे टमुरी को, क्योंकि एक वो जेन्युइनली एक रेड कार्ड था भी और एक पेनल्टी भी थी, क्योंकि काफ़ी देर से वो डी के अंदर जो है उनको पकड़ के आ रहे थे, उनका आर्म तक पकड़ लिया था उन्होंने पीछे से, तो वो एक पेनल्टी मिल गई वहाँ पे। तो भाई ये आप लगा लो यार कि 18वें मिनट पे रेड कार्ड मिल गया टमुरी को एसी मिलान के लिए और एक पेनल्टी मिल गई चेल्सी को। तो भाई लोग, चेल्सी को पेनल्टी मिली और उसके बाद जॉर्गिनो ने बहुत ही बढ़िया पेनल्टी मारी और पहला गोल मार दिया चेल्सी के लिए। तो बहुत ही, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एसी मिलान की क्या हालत रही होगी उस समय, क्योंकि उनके जो डिफेंस है, जो उनका मेन डिफेंस है स्टार्टिंग लाइनअप का, और जो उनके गोलकीपर हैं, वो सारे के सारे पहले ही इंजर्ड हैं। और जैसे कि आप लोगों को मैंने कल की वीडियो में बताया था कि फ्लोरेंसी उनके इंजर्ड हैं, उनका मिग्नान इंजर्ड है, उनके केजेआर इंजर्ड हैं, फर्नांडिस भी इंजर्ड थे, लेकिन कल के मैच में उन्होंने वापसी की थी। तो वैसे ही उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर जो हैं डिफेंस के और गोलकीपर जो हैं उनके, वो पहले से इंजर्ड थे हैं। उसके बाद जो है टमोरी, जो उनके गोल डिफेंडर है, उनको भी रेड कार्ड मिल गया, तो अगला यूसीएल का मैच वो मिस करने वाले हैं। तो एसी मिलान के लिए बहुत बेकार बात हो है ये। तो इस समय तो एसी मिलान को डिफेंस की नीड थी और टमोरी को ऊपर से उन्होंने रेड कार्ड दिलवा दिया, जो कि अगला मैच वो मिस करेंगे। तो ये थी उसकी बात। और बात की जाए अगर गोल्स की, तो पहला गोल मारा था आपका जॉर्गिनो ने, जो कि बहुत ही शानदार पेनल्टी थी। और दूसरा गोल मारा था एसी बॉमैंग ने, और जो कि वो मारा था उन्होंने 34th मिनट में, जो कि असिस्ट किया था अगेन वापस से मेसन माउंट। तो कल मेसन माउंट की काफ़ी अच्छी गेम रही है, एक येलो कार्ड भी मिला उन्हें पेनल्टी के दौरान 21 मिनट पे ही, तो वो अलग डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन कल मेसन माउंट की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, एक उन्होंने पेनल्टी दिलवाई स्टार्टिंग में और दूसरा उन्होंने बहुत ही शानदार वन टच पास डाला, वन टच फ्लिक डी के आसपास एमरिक ओबामैंग को 34th मिनट पर। और ओबामैंग की फिनिशिंग तो आप सब जानते हैं, उन्होंने गोल स्कोर कर दिया। तो भाई लोग, बात की जाए अगर फाउल के बारे में, तो काफ़ी सारे फाउल हुए हैं कल के मैच में। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेड कार्ड, जो एक ही रेड कार्ड हुआ है पूरे मैच में, तो जो मैंने आप लोगों को बताया 18 मिनट पर यहाँ पे टमोरी के जो है, जो डिफेंडर है एसी मिलान के, उनको एक रेड कार्ड मिला। और बात की जाए अगर येलो कार्ड्स की, तो बहुत सारे येलो कार्ड मिले हैं कल के मैच में दोनों ही साइड्स को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चेल्सी के, चेल्सी में सिर्फ दो ही येलो कार्ड मिले हैं प्लेयर्स को। तो सबसे पहला येलो कार्ड मिला था मेसन माउंट को और दूसरा येलो कार्ड मिला है रहीम स्टर्लिंग को। तो रहीम स्टर्लिंग का येलो कार्ड था वो अनएक्सपेक्टेड फाउल था वहाँ पे, तो इसकी वजह से येलो कार्ड मिला। और बात की जाए अगर एसी मिलान के साइड की, तो एसी मिलान में बहुत सारे लोगों को येलो कार्ड मिला। सबसे पहले येलो कार्ड मिला है उनका मिलान के स्ट्राइकर है ओलिवर जिरूड, उनको येलो कार्ड मिला। दूसरा येलो कार्ड मिला टायो गाबिया को, और तीसरा येलो कार्ड मिला था रेड क्रूनी को, और चौथा येलो कार्ड मिला था टोमियासो पोबेगा को, और पांचवा येलो कार्ड, मतलब लगा लीजिए आप 5 येलो कार्ड मिले हैं, और पांचवा येलो कार्ड मिला जो है मिला था सैंड्रो टोनाली को। तो भाई लोग, कुल मिला के 5 येलो कार्ड मिले हैं एसी मिलान की टीम को। और दो मैच की कंक्लूजन की, तो भाई पूरा मैच जो था वो, मतलब एसी मिलान जो है पूरे मैच में स्ट्रगल ही करती रही। जैसे उनको स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको रेड कार्ड मिल गया था, और उसके बाद जो है 20th मिनट के बाद जो है पूरे 70 मिनट जो है उन्होंने स्ट्रगल किया है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेकार परफॉर्मेंस थी एसी मिलान की टीम पे, अनएक्सपेक्टेड था, वो भी होम ग्राउंड में। यार मेरे हिसाब से जो है चेल्सी कल बहुत ही बेहतरीन खेली उन्होंने, बहुत ही बढ़िया एक प्योर गेम बनाया चेल्सी ने कल, और बहुत ही अच्छा डिफेंस कर रहे थे। कुलीवाली जो है काफ़ी अच्छा डिफेंस कर रहे थे कल। रीस जेम्स जो थे वो सब्स्टिट्यूट हो गए, उनको थोड़ी इंजरी की प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से रीस जेम्स सब्स्टिट्यूट हो गए। लेकिन बाकी जो है पूरी टीम पूरे मैच में जो है एसी मिलान स्ट्रगल ही करती रही। बीच बीच में उन्होंने एक दो चांस बनाए भी, लेकिन वो मतलब अच्छे चांस नहीं थे। ऐसे चेल्सी बहुत ही बेहतरीन खेली। और बात की जाए अगर मैन ऑफ द मैच की, तो मैन ऑफ द मैच मिला आपका जॉर्गिनो को, जिन्होंने एक पेनल्टी स्कोर करके जो है बहुत ही बढ़िया गेम बनाया वहाँ पर। और दूसरी बात की जाए, मेरे हिसाब से कल बेस्ट परफॉर्मेंस रही आपका मेसन माउंट की। मेरे हिसाब से माउंट कल बहुत ही बेहतरीन खेले, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक पहला तो उन्होंने स्टार्टिंग के ही 20 मिनट्स में एक रेड कार्ड और एक पेनल्टी दिलवा दी थी, जो कि बहुत ही बढ़िया फायदेमंद रहा चेल्सी के लिए। दूसरा जो है उन्होंने बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे असिस्ट डाला एमरिक ओबामैंग को,
मिलान का डिफेंस वैसे ही खत्म था, उनके स्टार्टिंग लाइनअप के डिफेंडर्स जो हैं इंपॉर्टेंट डिफेंडर्स जो हैं इंजर्ड थे, तो इस वजह से ऊपर से यहाँ पे रेड कार्ड मिल चुका है टोमोरी को, तो सेंटर बैक और चला गया। तो मतलब मेरे हिसाब से अभी आने ये वाला मैच तो गया ही गया एसी मिलान के लिए। मुझे लगता है आने वाला जो नेक्स्ट मैच होने वाला है उसमें भी एसी मिलान को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होने वाली है रेड कार्ड की वजह से। अब अगला मैच भी मिस करेंगे टोमोरी। और एसी मिलान की जो है हालत कल कुल मिला के जो है बहुत ही ख़राब कर गई थी चेल्सी ने। तो भाई लोग ये थी कल के मैच की कुछ कंक्लूजन, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था ये, तो ये गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। तो लोग अपने व्यूज़ इस मैच को लेके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।